Hello everyone, welcome back to Vidyakul. I'm your chemistry mentor Kiran Mankotia and we are going to understand what is the difference between colloidal solution and suspension. तो बच्चों दोनों के केसेस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनका साइज है डिफरेंट. ऑलराइट, कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है दे आर हैविंग साइज बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर्स. ऑलराइट, और सस्पेंशन के केस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनका साइज है ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर. ऑलराइट, दैट मींस इन दोनों के कंपेयर करेंगे तो सस्पेंशन में पार्टिकल साइज इज ग्रेटर. ऑलराइट, पार्टिकल साइज का बड़ा है सस्पेंशन के केस में, दैट मींस थोड़े टाइम बाद वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. ओके, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज योर सेडिमेंटेशन. बट कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज स्मॉलर है तो वो सेटल डाउन नहीं होंगे, दैट इज वाई उनकी सेडिमेंटेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है. ओके, अगर विजिबिलिटी की बात करते हैं तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं साइज में. वहीं पे अगर सस्पेंशन की बात करते हैं तो उसके पार्टिकल्स को वी कैन सी विद द नेकेड आईज. ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं पार्टिकल्स का साइज डिफरेंट होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी भी एक दूसरे से डिफरेंट है. ऑलराइट, सो दिस वॉज अबाउट कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. होप यू लाइक द वीडियो. विद्याकुल अभी डाउनलोड करें.